जमशेदपुर के मानगो उलीडी थाना अंतर्गत हिलव्यू कॉलोनी से सटे एक टायर गोदाम में देर रात आग लग गई। यह इलाका मानगो डिमना चौक से पारडी के बीच पड़ता है, जो NH 33 पर स्थित है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया है। हालांकि मामले की जानकारी मिलते ही झारखंड अग्निशमन विभाग, टाटा स्टील और टाटा मोटर्स की कई दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचकर लगातार आग बुझाने का प्रयास में जुट गई है। घटना के 6 घंटे बाद भी अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। आग धीरे धीरे विकराल रूप धारण करती चली जा रही है। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त आग लगी की घटना घटी, उस वक्त गोदाम बंद था। फिलहाल आसपास के इलाकों को खाली कराया जा रहा है, ताकि नुकसान कम से कम हो। दूसरी ओर टायर में लगी आग से निकलने वाला धुआं लोगों का दम घोट रहा है। करीब 5 किलोमीटर के एरिया में लोगों का रहना दूभर हो गया है और लोग सांस तक नहीं ले पा रहे हैं। लोगों ने एरिया को फिलहाल खाली कर दिया है। हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई किलोमीटर दूर से आग और धुआं की लपट और गुब्बारे देखे जा सकते हैं। टायर दुकान में लगी आग बुझाने में 45 से अधिक दमकलों का पानी अब तक खत्म हो चुका है। कितना हुई है, कितने समय से हुई है और कितने समय से आप लोग यहाँ पे प्रयास किए हुए? हम लोग का सूचना मिला 12:30 बजे और उस समय से हम लोग लगातार प्रयास किए। 2 गाड़ी हमारा मानगो का, 2 गाड़ी गोलमुड़ी का, 1 गाड़ी आदिपुर का, 5 गाड़ी हमारा झारखंड सरकार का काम कर रहा है और 2 गाड़ी टाटा कंपनी का। कितने बजे से आप लोग आए हुए यहाँ पे? हम लोग को सूचना मिला और तुरंत एकदम रिस्पॉन्स टाइम। कितना समय हुआ होगा? मोटा मोटी 12:30 बजे आ गई है और उस समय से हम लोग यहीं पे।